नमस्कार साथियों, आपका लवली पाल किचन एंड क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। मैंने 1 kg गाजर लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, गाजर को अच्छे से धुल के उनका ऊपर का छिलका निकाल के ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट आपको आराम से करना है ताकि आपके हाथ में चोट न लगे। मैं सारी गाजर को ग्रेट कर लूंगी। ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रेट नहीं करना, छोटा छोटा ग्रेट करना है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे गैस को ऑन करके। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। एक घी को डाल दिया। जब अपना घी जब गर्म हो जाएगा तब क्या करेंगे, जो गाजर मैंने ग्रेट करके रखी थी उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने गाजर को कढ़ाई में डाल दिया है। फिर अच्छे से क्या करेंगे, गाजर को भून लेंगे, मतलब चलाते रहेंगे ताकि घी अपनी गाजर में मिक्स हो जाए। ये देखिए धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि जो गाजर है वो भुन भी जाए अच्छे से। अब मैं क्या करूंगी, इसमें 1 छोटी कटोरी चीनी लूंगी। चीनी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको कितना मीठा खाना है। ये देखिए 1 छोटी कटोरी चीनी को ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद में इसको चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद में क्या होता है कि यह जो गाजर है वो गीली हो जाएगी, मतलब कि जो छोड़ता है ना चीनी पिघलेगी तो यह गीला हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको चलाते रहना ताकि यह कढ़ाई में चिपके ना, क्योंकि ज्यादा इसमें घी का या तेल का किसी चीज का यूज नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें मैंने जब चीनी अपनी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगी, फिर इसमें 1 kg गाजर थी तो इसमें 1/2 kg से थोड़ा ज्यादा ही दूध का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास खोया नहीं था तो मैंने दूध को ऐड किया है। दूध आप ले सकते हैं या खोया है तो आप खोया को ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाने के बाद में दूध का गाजर को पकने के लिए रख देंगे। पकने के बाद में मैंने क्या किया है कि जो सारी ड्राई फ्रूट है उसको मैंने कट कर लिया छोटा छोटा। देखिए ये देखिए अब दूध गाजर में ऐड हो चुका है। अब इसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि यह अब इसमें ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं बची तो ताकि कढ़ाई में लगे ना। इसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, चलाते रहना है। और 4 इलायची भी लेंगे, हरी इलायची। उसका छिलका निकाल के बीज को अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद में रख लेना है। अब जब ये बिल्कुल दूध इसमें पक जाएगा, खोया टाइप में होने लगेगा, तब इसमें क्या करेंगे, जो मैंने ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में फिर इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें इलायची, जो इलायची को कूट कर रखा है ये देखिए अब ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम में चलाते रहना है ताकि यह थोड़ा थोड़ा, ये देखिए अपना गाजर का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है।
ये देखिए इसका कलर देखिए, इसमें देखिए मैंने दूध ऐड किया था, फिर भी लग नहीं रहा कि मैंने दूध, इसमें लग रहा है कि मैंने खोया डाला है, वही दूध है जो अपना धीरे धीरे पके। ऐसे क्या है, गाजर भी पक जाती है और दूध भी पक जाता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।